लखनऊ में कार्यक्रम के समय सीएम योगी ने कहा कि अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी, बल्कि दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, बल्कि हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी, बल्कि दीपोत्सव। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। या इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर वन टीम के लिए, एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर एक बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। प्रतीक है और प्रधानमंत्री इस मूर्ति की खुद पूजा करेंगे, यानी 11 दिन के अनुष्ठान के आखिरी 3 दिन पीएम कठिन तपस्या करने वाले हैं। साथ ही रामलला की पूजा के साथ वो उन लोगों को भी याद करेंगे जो मंदिर आंदोलन का हिस्सा थे। उधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई। पहले दिन विधि विधान से प्रायश्चित पूजा पूरी की गई और इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा सुबह सुबह सरयू के घाट पर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। प्रायश्चित पूजा से पहले सरयू के घाट पर अनिल मिश्रा ने स्नान किया। इस दौरान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प दिलाया। पवित्र सरयू के घाट पर स्नान के साथ ही मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने प्रायश्चित पूजा शुरू की। इस पुनीत और ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण कर सकूं, भगवान ने से यही प्रार्थना है। अयोध्या में मौजूद ब्राह्मणों ने बताया कि प्रायश्चित पूजा पूजन की एक विधि होती है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले ये पूजा की जाती है। प्रायश्चित पूजन के लिए यजमान को 10 तरीकों से स्नान करना होता है और स्नान के दौरान यजमान को कई तरह के संकल्प भी लेने होते हैं, क्योंकि मान्यता है कि प्रायश्चित पूजा के पीछे मकसद जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करने से, यानी जाने अनजाने हुई गलतियों की माफी के लिए प्रायश्चित पूजा की जाती है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ ये पूजा की। सुबह 9:30 पर शुरू हुई प्रायश्चित पूजा लगातार 5 घंटों तक चलती रही और इस दौरान मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ब्राह्मणों के बताए गए नियमों का पालन करते दिखे। प्रायश्चित पूजा के बाद अयोध्या में कर्मकुटी पूजा भी की गई। कर्मकुटी पूजा का मतलब यज्ञशाला पूजन से। यज्ञशाला में हवन शुरू होने से पहले हवन कुंड या वेदी का पूजन किया जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन होता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पूजन से पहले 6 दिन तक लगातार हवन और यज्ञ किया जाएगा और इसीलिए कर्मकुटी पूजा या यज्ञशाला का पूजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यजमान बनकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अनुष्ठान करेंगे और प्रायश्चित पूजा और कर्मकुटी पूजा के बाद अयोध्या में अगले 5 दिन तक रोजाना अलग अलग अनुष्ठान होंगे। सुबह रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी, लेकिन मूर्ति को गर्भगृह में 18 जनवरी को विराजमान कराया जाएगा। उससे पहले मंदिर परिसर में अलग अलग वैदिक अनुष्ठान के जरिए मूर्ति का शुद्धिकरण किया जाएगा, यानी 17 जनवरी को मूर्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश होगा और 18 जनवरी को तीर्थ पूजन जल यात्रा निकाली जाएगी। 19 जनवरी को सुबह सुबह मूर्ति को अलग अलग औषधियों, केसर और घी से स्नान कराया जाएगा और 21 जनवरी तक इसी तरह अलग अलग चीजों से मूर्ति को नहलाया।